नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस पोस्ट में मैं प्राकृतिक आपदा के रूप में चक्रवात पर चर्चा करने जा रहा हूं। पूर्व के वीडियो में मैंने भूकंप पर चर्चा की थी, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपदा के रूप में चक्रवात के आने का क्या कारण है और किस तरह से प्रबंधन करके हम इससे होने वाले जान माल की क्षतियों को कम से कम तर कर सकें। चक्रवात यानी साइक्लोन, चक्रवात एक प्रकार से हिंसक तूफान होते हैं। ये एक प्रकार की तेज और बहुत उच्च वेग वाली हवाएं हैं जो निम्न वायुमंडलीय दबाव के शांत केंद्रों के चारों ओर तीव्रता से घूमती है। यह शांत केंद्र प्रायः आगे की ओर बढ़ता है। कभी कभी इनका वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। चक्रवात अचानक ही घटित होते हैं, जबकि इनको बनने में लंबा समय लग जाता है। चक्रवात के बाद प्रायः तेज वर्षा होती है, जिसके कारण बाढ़ भी आ सकती है या आ जाती है। उपग्रहों के द्वारा इसके द्वारा प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और वहां के निवासियों को चेतावनी दी जा सकती है। चेतावनी के स्थान परिवर्तन प्रस्तावित मार्ग के अनुसार ही होनी चाहिए। चक्रवात के प्रभाव, हल्के भार वाले मिट्टी, लकड़ी के निर्माण, पुराने इमारतें जिसका ढांचा और दीवारें कमजोर हो चुकी हैं और जिनकी नींव की मजबूत पकड़ नहीं है, चक्रवात के समय भारी खतरे में पड़ जाती है। समुद्र तट पर बसे निचले हिस्से वाले क्षेत्र इनसे सीधे ही खतरे में पड़ जाते हैं। सीमावर्ती बसे क्षेत्र बार मडस्लाइड या भूस्खलन आदि होने से जल्दी प्रभावित होते हैं। टेलीफोन और बिजली के तार और खंभे, दीवारें, पेड़, मछली पकड़ने की नावें, साइनबोर्ड आदि के लिए चक्रवात आने से खतरा बढ़ जाता है। हल्का इमारती ढांचा और फूस की झोपड़ी, टीन की छत वाले घर चक्रवात की क्षति को बहुत अधिक झेलते हैं। भारी वर्षा के कारण लोग और इनकी संपत्ति बाढ़ के पानी में बह सकती हैं या चक्रवात की तूफानी हवा में बह जाती है। तटीय क्षेत्रों में आए चक्रवात के कारण समुद्र की लहरें भूमि पर पहुंच जाती हैं और बाढ़ आ जाती हैं, तथा इससे प्रभावित क्षेत्रों में मिट्टी और पानी में खारापन आ जाता है, जिसके कारण पानी की आपूर्ति और कृषि फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब हम चक्रवात प्रबंधन पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से प्रबंधन करके हम चक्रवात से होने वाले क्षति को कम से कम तक कर सकें। चक्रवात संभावित क्षेत्र को पहचानना बहुत आवश्यक है। चक्रवात संभावित क्षेत्र में किसी प्रकार के विकास कार्यों की अनुमति नहीं देना चाहिए। ऐसी इमारतें बननी चाहिए जो हवा और बाढ़ों की तीव्रता को झेल सके। किसी ढांचे की पकड़ रखने वाली तत्व मजबूती से जमीन में गड़े होने चाहिए, जिससे वे अपने ऊपर टिके ढांचों की मजबूती को संभाल सके। तट के किनारे लगे वन चक्रवात के प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अतः आवश्यक है कि समुद्र तट के किनारे किनारे ग्रीन बेल्ट यानी तटों के साथ साथ पेड़ उगाना को विकसित किया जाए। इन सारे उपायों को करके हम चक्रवात के प्रभाव को कम से कम तर कर सकते हैं और जान माल को होने वाली क्षति को भी कम कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में सुनामी पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद।